मैं जानिसार ड्रामा पे रिव्यू करती थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि तेरी छाँव में भी के ऊपर भी रिव्यू करें क्योंकि वो भी हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रामा है। लिहाजा मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले तो इस ड्रामा की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो वादीमा है ना उसके बारे में अदालत में ये फैसला हो जाएगा कि भाई बच्ची की कस्टडी जो है वो उसके बाप को दी जाए और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे। अब हम जानते हैं कि भाई वादीमा का जो पापा है ना वो तो नवीद को ही उसके साथ ना उसकी शादी करवाना चाहता है, लिहाजा यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जीना हराम होगा यहाँ पे वादीमा का। इस स्टोरी से हमें एक चीज़ पता चलती है कि पेरेंट्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति जो है ना वो बच्चों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। इस लड़की की एक्टिंग इस ड्रामा में वाकई ही कमाल की है। ड्रामा में हम देखेंगे कि किस किस तरह से सलार जो है ना वो वादीमा को प्रोटेक्ट करता रहेगा। इनफैक्ट अगर अदालत कहेगी कि कुछ अरसे के लिए वादीमा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहे तो भी